लोग सच नहीं सुनना चाहते ना, मसला नहीं है। अगर उन्हें मैं सच बताऊं ना कि यार मैं, मेरी कोई लाइफ है, मेरी कोई प्रायोरिटीज है, मैं क्या करूं, वो कहते नहीं नहीं नहीं, जब तक आप ना कहे मैं बीमार हूं ये जब तक आप ना कहे गाड़ी लग गई है, या जब तक आप ना कहे कोई ट्रेजेडी होगी, उनको सुकून नहीं होता। उनको आप ये कहना यार मेरे कुछ अहम काम है, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, मैं उनको देखूंगा, मैं अर्जेंट्स को नहीं देख सकता, तो क्या होगा? अब आपका काम है, ये आर्ट है, अगला ये मुश्किल काम है, आर्ट है कि आपने रिलेशन भी कायम रखना है और अपनी अपनी प्रायोरिटीज भी क्लियर करनी है। जैसे मैं मिसाल देता हूं, मुझे गेस्ट स्पीकर कॉल बहुत ज्यादा है, ट्रेवलिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है। सच ये है कि जिस वक्त से मैं गुजर रहा हूं, इसमें मेरे पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे जो हैं, बड़े वाला जवान हो गया, छोटे वाला भी बहुत छोटा है, उनको भी टाइम चाहिए, मेरे घर को भी टाइम चाहिए, मैं किसी हद तक थोड़ा सा स्टेबल भी हो चुका हूँ, जो एक स्ट्रगल पीरियड है उससे बाहर आ चुका हूँ। मैं लोगों को माजरत कर देता हूँ बड़े डिसेंट वे में, कहता हूँ यार देखो मुझे रोज़ अपनी अम्मा को एक दफ़ा मिलना हो, मुझे रोज़ वालिद साहब को एक दफ़ा लाजमी मिलना हो, मुझे रोज़ अपने घर को, तो आप मेहरबानी करके अगर आप आ जाए ना मेरे पास तो मेरे लिए बड़ी आसानी है, आप पूरा ग्रुप ले आए, हम खाना अरेंज कर देंगे, हम उनको फूलों के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे, आप 100 लोग ले आए, 50 नहीं आए, मेरे लिए मेरी फाउंडेशन हाजिर है, आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं 10 बार लोगों को भुगता सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे सिर्फ फैसलाबाद जाना है 1 घंटे के लिए, तो उसके लिए 1 दिन चाहिए, तो ये लोग बड़े मेहरबान हैं, बड़ी बड़ी दूर से सर्कल्स आ जाते हैं, दोस्तों के बाप के, ये आपसे पहले जो ग्रुप था इनका इवेंट कहीं था, मैं वहाँ नहीं जा सकता था, मैंने कहा आप आ जाओ बस भर के लिए। मुझे लगता है आने वाले दिनों में कह लीजिए कि वो जो होता है निकाह की दुआ के लिए थोड़ी देर के लिए लोग आया करेंगे, आमीन और निकल जाए करेंगे तो ना ये आर्ट है जी, यानी आप एक और भी आखिरी तरीका इसका बता देता हूँ यासिर भाई, अपनी प्रायोरिटीज को और अपने जिंदगी के इंपॉर्टेंस को वेल डिफाइन अनाउंस कर दें। आई एम सॉरी 5 बजे मैं वॉक करता हूं, आई एम सॉरी अजान हो गई मैंने नमाज पढ़नी, ये जो अनाउंस कर देना है ना, इससे बड़ी आसानी होती है, इससे लोग ना लोग फिर वो ऑब्वियस होता है कि वो समझ जाते हैं इसके लिए मेरी बात। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये मेरी जिंदगी की ट्रांसमिशन है, मैं 90% रात की शादियां अटेंड नहीं करता, 90% कह रहा हूँ, 10% की गुंजाइश रख लेता हूँ, 90% आई एम सॉरी यार मैंने पूरा दिन थक के काम किया, मेरे घर का वक्त है, मेरे सुकून का वक्त है, मेरी नींद का वक्त है, मेरी फैमिली का वक्त है, मैं 90% शादियों में खाना खा के जाता हूँ या बाद में खा लेता हूँ या खा के जाता हूँ, क्योंकि मैं खाना खाने के लिए नहीं गया शादी में, मैं खुशी में शामिल होने गया हूँ, वो मैं हो गया हूँ, दैट्स ऑल, खाना मैंने खाया होता। अब ये क्या है, ये एक एक आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आने लग पड़ी है कि होना ऐसे ही है, ठीक है जी। जब एक वक्त आ जाए कि आपकी नीड इतनी जबरदस्त हो गई, लोग इस तरह ही आपको कबूल करना शुरू कर देना, वो बड़ा अच्छा दिन है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम ब्लैकमेल होते हैं लोगों की डिमांड के हाथों, ये अब आपने एस्टेब्लिश करना है कि जी आई एम सॉरी, मैं माजरत करता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन ऐसे मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा।